हेलो बच्चे पाटिल, वेलकम टू रिंकर पांड्या यूट्यूब चैनल। तो बच्चे कैसे हो आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत ही मजा आए होंगे, है ना। बहुत ही मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति बिल्कुल समर्पित होंगे। आज आपके बीच फिर से आ गया हूं एक नया, और ये चैप्टर जो चल रहा था सेट थ्योरी, उसका बिल्कुल लास्ट एपिसोड लेके आ गया हूं। आज ये चैप्टर को पूरा फिनिश कर डालेंगे, एकदम खत्म कर देंगे जो कुछ भी छोटी मोटी बातें बची हुई है। एक मिनट, मैं चश्मा नहीं खोलूंगा, अब मत करते, है ना। तो हम लोग बच्चा जो भी सेट थ्योरी में पढ़ रहे थे, सेट थ्योरी में जो कुछ भी पढ़ चुके थे, आज ये सेट थ्योरी का सफाया करेंगे। लास्ट एपिसोड है, बिल्कुल देखना ना भूलना, मस्त अच्छे से देखना। और मुझे लगता है कि जितना वीडियो में सेट थ्योरी में बनाया हो, अगर बहुत डिटेल में अगर आप देखोगे तो मुझे लगता नहीं है कि सेट तुम्हारे खोपड़ी में सेट नहीं होगा, सेट का सेटिंग हो गया होगा तेरे खोपड़ी में अगर अच्छे से देखा होगा तब, क्योंकि मैं बहुत ही डिटेल में पोस्टमार्टम किया हूं। देखो आज वही बात मैं लिखा हूं, प्रैक्टिकल पोस्टमार्टम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेल। तो यूनियन और इंटरसेक्शन, जो कि मैं ऑपरेशन ऑन सेट बता रहा था बच्चों बटी, तो ऑपरेशन ऑन सेट में चार बातें मैंने बताया था। पहला यूनियन था, इंटरसेक्शन था, डिफरेंस था और कॉम्प्लीमेंट था। ये चारों का एपिसोड में तुम्हें दे रखा है, उसको अगर नहीं देखा तो पहले जाकर देख लेना उसको, ठीक है, तब फिर जाके ये वीडियो देखना। अदरवाइज अगर देख लिया तो बहुत बढ़िया बात है। आज फिर से वही यूनियन वही इंटरसेक्शन के ऊपर पोस्टमार्टम प्रैक्टिकली करेंगे, प्रैक्टिकली, ठीक है। और तुम खाली सुनना गौर से, देखना गौर से, अगर तेरे खोपड़े में ना बिठा दे, तेरा खोपड़े पे ना बिठा दे तो मेरा, तो बस यू जस्ट सेल वॉच, ठीक है। देखना बहुत डिटेल में, बहुत ही आसानी से मैं बात करूंगा, और आज इस चैप्टर का हो जाएगा सफाया। इसके बाद सेकेंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन करेंगे शुरू, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे। इतना ही नहीं, तुमको पता होना चाहिए अब मैं फिजिक्स भी पढ़ा रहा हूं 11-12 का, है ना। इसलिए आने वाला कल हो सकता है तुम्हें देखने को मिलेगा लेक्चर फिजिक्स पे ही, एकदम मक्खन की तरह, मक्खन की तरह। ये मेरा चैलेंज है कि जिस सब्जेक्ट को मैं छूदू वो मक्खन हो जाएगा, गारंटी बोल दो, जिस सब्जेक्ट को मैं छूदू मक्खन कर देंगे उसको, आसान कर देंगे उसको। बिना किसी लेकर शुरू करते हैं प्रैक्टिकल पोस्टमार्टम और यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ टू सेल्स। तो आइए वेन डायग्राम की मदद से तुम्हें मैं डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आ जाओ बच्चों, आपको पता है कि जब भी हम वेन डायग्राम बनाते हैं किसी सेट का, तो यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल से बनाते हैं। तो ये बच्चों हमारा कैसा सेट है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है जिसको मैं रेक्टेंगल से डाला, ठीक है। इसके अंदर हमारा दो सेट है, सेट ए है बच्चों और सेट बी है, ठीक है जी। सेट ए है, सेट बी है। अब मैं कुछ एलिमेंट इस सेट के अंदर रख रहा हूं, ठीक है, इस सेट के अंदर कुछ एलिमेंट रख रहा हूं। मान के चलो कि यहां पे मैं रख रहा हूं ए बी, यहां पे सी रख रहा हूं, यहां पे डी रख रहा हूं, यहां पे ई रख रहा हूं। अरे गौर से देखना भाई, गौर से देखिएगा, सेट ए का, सेट ए, सेट बी और ये हमारा यूनिवर्सल सेट है। मैं वेन डायग्राम की मदद से तुम्हें समझाने की कुछ कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं सेट ए बोलू, सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, तो आप बोलोगे सर ए है, बी है और सी है, एकदम सही बात है। देखो बड़े से, ए बी और सी, सेट ए के अंदर अगर मैं आपका एलिमेंट पूछ लू मेरे बच्चों, तो तुम क्या नहीं बता दोगे कि ए बी और सर सी आएगा। तो सेट ए के अंदर बच्चों ए बी और सी तीन एलिमेंट आएगा, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। सेट बी की अगर मैं बात कर लू बच्चा पार्टी, तो तुम्हें क्या लगेगा यार, तुम्हें लगेगा सी डी और ई आएगा, सर सी डी और ई आएगा, नहीं आएगा। देखो भाई, ये हमारा सेट बी है,
प्रैक्टिकली देख रहा, रटने के व्यू से नहीं देख रहा, ठीक है, प्रैक्टिकली, क्योंकि मैं जो कुछ भी पढ़ाता हूं मेरा कोशिश ये रहता है कि तेरा खोपड़ी का जो अवचेतन मन है ना, सब कॉन्शियस माइंड है ना, वहां ठूस दो, वहां ऐसा डाल दो कि परमानेंट हार्ड डिस्क रैम में चले जाए और कभी निकल ना, रैम नहीं है, रोम में चले जाए, रीड ओनली मेमोरी में चला जाए और कभी निकल ना पाए, ठीक है। ऐसा मेरा कोशिश रहता है हमेशा, और तुम खाली अच्छे से देखोगे तो ये कोशिश रहता नहीं है, प्रूफ प्रूफ कर दिया हम कोशिश को, ठीक है। तो सेट ए में, सेट ए में अगर देखा जाए बच्चों तो कितना एलिमेंट है, ए बी और सी है, ए बी और सी है, बहुत अच्छे। सेट बी में कितना एलिमेंट है, सी डी और ई है, सी डी और ई है, बहुत बड़े। अब मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाहता, ठीक है बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी निकालना चाह रहा हूं, तो ए इंटरसेक्शन बी में बता दो तुम कौन है, मतलब सेट ए में और सेट बी में, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन एलिमेंट निकालने का, क्या कॉमन एलिमेंट की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो अगर सेट ए में और सेट बी में कॉमन एलिमेंट की बात करो तो कॉमन एलिमेंट कौन है, देखो ए वाला, यही वाला पोर्शन है, यही वो छोटा सा बच्चा है जो कॉमन है, सी जो दोनों में ही है, देख लो सी यहां भी है, सी यहां भी है, सी एकमात्र है जो कॉमन है, एकदम सही बात है। अब मैं आपसे ये बोलूं कि मैं ए यूनियन बी निकालना चाहता हूं, क्या निकालना चाह रहा हूं, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, सेट ए का सारा एलिमेंट रख दो, सेट बी का सारा एलिमेंट रख दो, लेकिन कोशिश ये करना कि जो दो बार आ रहा है उसको एक बार ही काउंट करेंगे, है कि नहीं, अरे पकड़ में आ रहा है, थोड़ा फ्लैश बैक में जाओ और याद करो जो मैं बता रहा था तुमको, सेट के अंदर यूनियन कैसे करते हैं बाइंड, है ना, ए यूनियन बी ले रहे हैं तो ए के अंदर जो एलिमेंट है उसको रख दीजिए, बी के अंदर जो एलिमेंट है उसको भी रख दीजिए, लेकिन ए और बी में वैसा एलिमेंट जो ए और बी दोनों में है उसको एक ही बार रखना है ना। जैसे यहां पर ए रख दिए, बी रख दिए, सी रख दिए, लेकिन ये सी यहां भी दिख रहा है, यहां भी दिख रहा है, तो क्या सी दो बार रखेंगे, जी नहीं, सी यहां पर रख चुके हैं तो अब रखेंगे डी और ए। तो ये हमारा जो निकला बच्चों, ये ए यूनियन बी निकल गया, तो ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट आया, ए बी सी डी ई, टोटल पांच एलिमेंट। अब मैं क्या चाह रहा हूं बच्चों, अब मैं चाह रहा हूं कि इसकी कार्डिनलिटी निकालना, ठीक है, कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर समझते हो ना, कि सेट ए में कितना एलिमेंट है उसको उस सेट का कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो सेट ए में कितना एलिमेंट है, देख लो तीन, तो सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना हो गया, थ्री हो गया। इसी तरह मैं सेट बी का कार्डिनल नंबर निकालना चाह रहा हूं, कितना होता है, तीन, देखो तीन है, एक दो तीन एलिमेंट है, जितना एलिमेंट होगा किसी सेट में उस सेट का कार्डिनल नंबर बच्चा उतना ही होगा, ये बात तुम्हें पता। ऐसा ही मैं ए इंटरसेक्शन बी में बी का कार्डिनल नंबर निकालना चाहता हूं, तो ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर देखो कितना आएगा बच्चा, एक आएगा, क्योंकि इसके अंदर बेचारा एक ही है एलिमेंट, क्या कहते हो, समझ में आ रहा है, अरे भन्नाट तरीके से समझ में आ रहा है, बिल्कुल। इसी तरह अगर ए यूनियन बी में मैं पूछ दूं कि कितना एलिमेंट, ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है, देख ले बच्चा कितना ए बी सी डी ई, टोटल पांच एलिमेंट है, आप बोलोगे सर फाइव, पांच एलिमेंट, बहुत बढ़िया, पांच एलिमेंट है, एकदम सही बात है। आप बोल रहे होगे सर बताने की कोशिश क्या कर रहे हैं, आप अभी बता देंगे, अरे तुम्हें को बोल रहा हूं तुम्हारा खोपड़ी में ठूस देंगे अभी का अभी, बस देखो। अब आप देखिएगा मैं क्या चाह रहा हूं, एक रिश्ता लिखना चाह रहा हूं, ए यूनियन बी में एक रिश्ता बनाना चाह रहा हूं, रिलेशन, प्रैक्टिकल पोस्टमार्टम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। मैं क्या चाह रहा हूं कि जो ए यूनियन बी तुम निकाला ना यहां पे, इसके साथ एक रिश्ता सेट करने की कोशिश कर रहा हूं, ये रिश्ता क्या कहलाएगा, तो ये रिश्ता प्रैक्टिकल पोस्टमार्टम यूनियन और इंटरसेक्शन कहलाएगा, ठीक है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो ए यूनियन बी में
ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है बच्चों? पांच। कितना है? पांच। मैं ऐसा सेटिंग करूंगा कि तुम्हें मजा ही आएगा। देखो ए यूनियन बी में सब पांच एलिमेंट, तो मैं ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं कि क्या मैं ऐसा कर दू एन ए प्लस एन बी, बिल्कुल कर दीजिए। तो एन ए यूनियन बी में ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी जो है देखो यहां पर मैं निकाल रखा है पांच है, पांच है, कितना है? पांच है। लेकिन ए की जो कार्डिनलिटी है ये तो भाई तीन है। देखो यहां पे बी का कितना है? आप बोलोगे तीन है। बोलोगे सर तीन प्लस तीन करिएगा तो छह हो जाएगा, इधर तो पांच ही है, क्या छह पांच के बराबर होगा? अरे रुक जाओ भाई, अभी बताओ नहीं, हड़बड़ी कुछ भी नहीं है, खोपड़ी में ठूसने का है, ठीक है? बेटा खोपड़ी में घुसाने का, टेंशन ना लेने का। पांच को छह के बराबर कभी नहीं आएगा, क्या कहते नहीं आएगा ना? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। पांच छह के बराबर नहीं आएगा, लेकिन पांच पांच के बराबर तो आएगा, क्या कहते? बिल्कुल आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं कि एन ए और एन बी को मैंने जोड़ा तो छह आया, मैं समझना चाह रहा हूं ऐसा क्यों। तो आइए यहां, क्योंकि ए के अंदर जो सी एलिमेंट है ना और जो बी के अंदर जो सी एलिमेंट है, तो ए के अंदर भी सी एलिमेंट को काउंट कर लिया है और बी के अंदर भी सी एलिमेंट को एक और बार काउंट कर लिया। मेरे से यहीं पे मिस्टेक है कि सी जो एलिमेंट है वो ए के लिए भी काउंट कर लिए हैं, बी के लिए भी काउंट कर लिए हैं। तो ऐसा करना क्या कि दो बार जो सी को काउंट कर लिए हैं, एक बार चुपके से घटा करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, क्या कहते हैं अपना फंडा मिल जाएगा ना। तो मैं वही करने वाला हूं बच्चों कि जो सी है जो कि ए में भी काउंट है और बी में भी काउंट किया गया है, दो बार काउंट किया गया है, सेम ही एलिमेंट को दो बार काउंट नहीं कर सकते हैं, क्या कहते हैं बता दो, नहीं कर सकते। तो फिर करेंगे क्या? यही सी एलिमेंट को जो दो बार काउंट कर लिया ना, एक बार घटाने का है, एक बार घटाने का। मैं क्या करने वाला हूं कि जो ए इंटरसेक्शन सी जो निकाला है ना सी, इसमें इसको मैं मस्त चुपके से घटा रहा हूं। बच्चों बता दो क्या तुम्हें समझ में आया? क्या बताना है? अरे बता भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देख लेना, तो इसमें कितना एलिमेंट है? इसमें पांच आया ना, आया कि नहीं आया? बिल्कुल आया। इसमें कितना आया? थ्री आया। इसमें कितना आया? थ्री आया। तो थ्री प्लस थ्री सिक्स, लेकिन इसमें कितना एलिमेंट है? देखो एंड ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है? वन एलिमेंट है, इसमें वन है। तो थ्री और थ्री ऐड करो कितना होगा? सिक्स। में सब्ट्रैक्ट करो वन, कितना आएगा? फाइव। फाइव क्या फाइव के बराबर है कि नहीं? बिल्कुल है। तो आज से तुम्हें एक मस्त वाला नियम याद रखना है और वो ये है कि ए यूनियन बी का तुम अगर क्या करोगे, नंबर ऑफ कार्डिनलिटी निकालना चाहोगे तो कितना होगा? नंबर ऑफ कार्डिनलिटी सेट ए प्लस नंबर ऑफ कार्डिनलिटी ऑफ सेट बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला मैं प्रूफ करके दिखा दिया हूं बच्चों, देख लो, याद रखियो इसको। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा। एन ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी। पकड़ में आ रहा है कि नहीं? अरे चमक रहा है कि नहीं भाई? चमक रहा है ना? हाँ जी। तो ये एक बहुत ही सुंदर रिश्ता है जिसको मैं बोलता हूं कि प्रैक्टिकल पोस्टमार्टम है। किसके ऊपर? यहां पे देखो इंटरसेक्शन है, यहां पे देखो यूनियन है, इसलिए मैं लिखा हूं भैया यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तुम्हें को बोल रहा हूं, आ रहा है कि नहीं समझ में? घुस रहा है कि नहीं? आते घुस रहा हूं बिल्कुल। देखिए बच्चा, ये जो बातें मैं लिखा हूं ना, ये तो बिल्कुल सही है कि एन ए यूनियन बी अगर दो सेट दिया है, उस दोनों का ए यूनियन बी निकालोगे और उसका कार्डिनल नंबर निकालोगे, तो सेट ए का अलग से बी का अलग से निकाल के जोड़ो और उसमें से इंटरसेक्शन का कार्डिनलिटी घटा दो, आपको बिल्कुल बराबर मिल जाएगा। तो मतलब आज से फॉर्मूला याद रखना है कि एन ए यूनियन बी बराबर क्या होगा? एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन शर्त यहां पर यह है बच्चों कि जो सेट ए
और सेट बी जो होगा ये दोनों फाइनाइट सेट होने चाहिए। कैसे सेट होना चाहिए? फाइनाइट सेट, तभी तो हम कार्डिनलिटी पता कर पाएंगे भाई। अगर फाइनाइट सेट नहीं होगी तो क्या आप कार्डिनल नंबर निकाल सकते हो क्या? कमेंट में लिख के बताओ। अगर कोई सेट में पता ही नहीं है कि कितना एलिमेंट है तो बाबा जी का ठुल्लू निकालोगे उसका कार्डिनल नंबर? बोलो ना, निकलेगा क्या? अरे नहीं भाई, कार्डिनल नंबर तभी निकलेगा किसी सेट का जब वो सेट में हमें पता चल जाए कि कितना एलिमेंट है। और यदि पता चल जाए कि किसी सेट में कितना एलिमेंट है तो उसी को तो कहते हैं फाइनाइट सेट। क्या कहते हो, क्या कहते हो, बोलो ना, पकड़ में आ रहा है कि नहीं? अरे मक्खन की तरह आ रहा है, नहीं समझ में? कुछ नहीं है मैथ, इतना डरावना चैप्टर लगता है सौर मैथ, पता नहीं क्या ही होगा। अरे मेरे साथ बैठ के तो देखो, मेरे साथ चल के तो देखो, अगर मैथ मक्खन नहीं बन जाए तो बोलना, मैथ को ऐसा मक्खन बना देंगे ना कि हर वो बच्चा जो मैथ से डरता है उसको प्यार हो जाएगा, मैथ मजे लेगा मैथ, है ना। अरे तो ए भी हमारा फाइनाइट सेट होना चाहिए। आज से एक फॉर्मूला याद रखने का कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए एक्सेप्शन सी, ठीक है। और मैं तुम्हें ना इस पे एक, अरे 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 ये तो गड़बड़ हो गया भाई, सी कहां से आ गया? बी होगा ना, बी, हाँ सॉरी बी। तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो आज से आपकी फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। इसमें मैं कुछ न्यूमेरिकल अभी मैं कराऊंगा, अभी का अभी इसी वीडियो में ना, टेंशन नहीं लेगा फिलहाल तुम समझ पाए। तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो। इसी को लिखने का बच्चा एक और ही जबरदस्त कातिल तरीका है, देखना चाहो देखो। ये जो सेट है ना, ये जो सेट है इसको मैं इधर से रख लू क्या, इधर वाला देखना, इधर वाला मैं रख दिया, मैं इधर वाला रख रहा हूं। गौर से देखना बच्चों, गौर से। तो इधर वाला जो रख रहा हूं, अगर मैं डिफरेंस ऑफ सेट की बात करूं तो क्या मैं इसको बोल सकता हूं कि ये कौन सा भाग है? इधर वाला जो रंगा है, इधर वाला जो पोर्शन रंग दिया है, इसको क्या मैं बोल सकता हूं कि b माइनस ए है? ये पूरा b सेट में a सेट को घटाएगा तो ये वाला बचेगा, बता दो एकदम सही बात है। इधर में जो रंगा हो बच्चों, क्या मैं इसको बोल सकता हूं बेटा तुम क्या हो, a माइनस b? बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। और ये तो पता ही है तुम्हें, ये तो मक्खन सेट है, है ना, ए इंटरसेक्शन। देखो भाई देखो, डिजाइन बना दिया है ना, और बहुत बड़ा डिजाइन नहीं भाई, चिख रहा हूं मैं, है ना, चिस रहा हूं बोर्ड पे, मैं चिसने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा हूं। और मैं मैथ को बताता हूं, मैथ को आप इसी नजर से देखो कि मैथ इज ऑल अबाउट चिका चिकी, समझ लो चिका चिकी। मैथ मक्खन है यार, पता नहीं क्यों हमारे लगते हूं, मेरे साथ है ना, रहेगा ना, तुम्हें बोलना रहेगा, चाहते हो ना मैथ हल्का हो जाए, पानी पानी हो जाए, रह लेना मेरे साथ रह लेना, मैथ को पानी पानी और इसको नानी कर देते हैं, समझ लो क्या, हाँ बहुत सिंपल है। तो इधर वाले पोर्शन को अपन लिख सकते हैं a माइनस b, इधर वाले पोर्शन को अपन लिख सकते हैं b माइनस a, और बीच में बच गया था उसको मैं लिख सकता हूँ a इंटरसेक्शन b, लिख सकता हूँ, मैंने बिल्कुल लिख सकता हूँ। देखो बच्चों, या तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना, या इसी का एक और नया वर्जन, न्यू वर्जन, देखना बच्चों। अगर मैं एन ए माइनस बी, जो ए माइनस बी है इसके अंदर मैं बोलूंगा बता दो कि कितना एलिमेंट आएगा, तो कितना आएगा, ए भी आएगा, मात आएगा कि नहीं, बोलो। अरे ए माइनस बी, इधर जो महंगा हुआ है उसमें तो सिर्फ ए और बी है ना भाई, इसका मतलब एन ए माइनस बी निकालोगे तो बच्चों कितना आएगा, बोल रे, दो आएगा कि नहीं, दो ही एलिमेंट है, दो ही आएगा ना। इसीलिए इसी तरह मैं अगर बोलूं कि b माइनस ए में बता दो कि b माइनस ए जो सेट होगा इसमें कितना एलिमेंट आएगा, आप बोलोगे सर दो ही एलिमेंट तो है, d और e, बहुत बढ़िया, दो ही एलिमेंट है, इसका मतलब बच्चों ये हो जाएगा कि b माइनस ए का भी अगर हम कार्डिनल नंबर निकालेंगे तो दो ही होएगा, कितना होगा रे बच्चों, दो ही होगा ना, हाँ दो ही होगा, बहुत। तो आ जाओ, मैं इसको ऐसे लिखूं क्या, एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए, तो इसमें तो पांच एलिमेंट था, दिख रहा है तुमको, देखो यहां पे पांच एलिमेंट था,
इसको जब मैंने लिखा तो इसमें कितना एलिमेंट आया बच्चा, देखो दो आया, और इसको भी जब लिखा तो कितना आया, दो आया, तो दो प्लस दो चार हो गया, एक और जोड़ना पड़ेगा, क्या कहते हैं बता भाई, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं? हाँ जी जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जोड़ दो किसको, एक को, वो एक कौन है, इसमें देखो ए बी आया, डी आया, लेकिन ए यूनियन बी में ए बी डी तो है, सी नहीं है, तो सी कहां से आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी से आ रहा है, तो इसी को ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट को जोड़ देने करे, ये वाला फॉर्मूला आ गया तेरे पास। हाँ बच्चा पार्टी, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है? अरे ये दो ही, दो बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, यूनियन और इंटरसेक्शन, दो सेट की बात कर रहा मैं, ठीक है? तो दो सेट की जब भी बात करेंगे तो उसमें से वो दोनों सेट को आप लिखने का तरीका बड़ा ही जबरदस्त है। एन ए यूनियन बी बराबर लिखोगे क्या, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, या फिर ऐसा लिख लो, या फिर इसी को एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी आप लिख सकते, दोनों मैं प्रूफ करके दिखा दिया हूं, मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ गया, आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। और ये क्या है, इसको क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ सेट, इसको भी क्या कहता है, डिफरेंस ऑफ सेट, ये तो आपको पता है इंटरसेक्शन, ये हमारा क्या यूनियन, एकदम मक्खन की तरह समझ में आएगा, एकदम आ गया। अब एक बढ़िया बात करते हैं बच्चों, सुनिएगा, यदि मान लो जो ए और बी जो सेट था ना, ए और जो बी सेट था बच्चा, ये हमारा डिसजॉइंट सेट है। अब बोलोगे सर डिसजॉइंट सेट क्या होता है? सर बहुत सुंदर बातें होती है, डिसजॉइंट सेट का मतलब होता है कि वो दोनों सेट में कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी ना, मतलब कुछ भी ना, डिसजॉइंट हो। तो उस केस में, उस केस में बच्चा पार्टी तुम एक बात अच्छे से देखना, एक बात अच्छे से देखना, मैं इसको थोड़ा मिटाता हूं। फिर से मैं एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूं यू, यहां पे एक सेट ले रहा हूं ए और एक सेट ले रहा हूं बी, इसमें एलिमेंट है ए बी, इसमें सी बी। तो यदि तुम इस सेट को गौर से देखोगे बच्चों, गौर से, तो यहां पे आप बता दो पहले कि ए इंटरसेक्शन अगर मैं बी निकालूंगा इस सेट के, अरे गौर से तुम्हीं को बोल रहा हूं, इस सेट के लिए यदि मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालूंगा तो ठुल्लू ही आएगा, कुछ आएगा क्या? अरे नहीं, एक ऐसा सेट आएगा जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें ए बी है और इसमें सी डी है, तो ए बी और सी डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसीलिए ऐसे सेट को बोलते हैं ठुल्लू सेट। क्या बोलते हैं बच्चों? ठुल्लू सेट, बाबा जी वाला, है ना, जिसको आप सेट में नल सेट बोल सकते हो, वॉइड सेट बोल सकते हो, या एम्प्टी सेट बोल सकते हो, है ना, लेकिन मेरे भाषा में इसको ठुल्लू सेट बोलो। तो ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं आया, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ए इंटरसेक्शन बी में कार्डिनल नंबर कितना होएगा, ए इंटरसेक्शन बी सेट का कार्डिनल नंबर कितना होगा, तो बच्चा तुम क्या बोलोगे? रे जब एलिमेंट ही नहीं है सर तो ठुल्लू ही होगा ना सर, ठुल्लू होगा सर, ठुल्लू मतलब लड्डू होगा, जीरो होगा, होगा कि नहीं, होगा कि नहीं? जब दो सेट में, जब दो सेट में, फिर से रिवीजन करवा रहा हूं, सुन लो सुन लो सुन लो, काम देगा तुम्हें। जब दो सेट दिया रहे और दोनों सेट के बीच कुछ भी कॉमन ना आए तो ऐसे सेट बेटा डिसजॉइंट सेट कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है। तो यहां पे सेट ए एंड सेट बी जो है ये कैसा सेट है? डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट, डिस मतलब कनेक्शन ही नहीं है, टूटा फूटा है, दोनों अलग अलग है, ठीक है, दुश्मन सेट अपने बस में ऐसे। जब कुछ कॉमन नहीं है सर तो इसके लिए अगर मैं लिखूं कि बता बच्चों ए यूनियन बी
को तुम कैसे लिख पाओगे? तो बोलोगे सर ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट है? ए बी से सीधी आएगा, अगर मैं ए यूनियन बी निकालूंगा तो इसमें क्या आएगा? ए बी आएगा और सीधी आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ए यूनियन बी का अगर कार्डिनल नंबर में निकालूंगा कितना आएगा? चार आएगा, आएगा कि नहीं? सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना? दो। सेट बी का क्या है? दो, दो प्लस दो चार हो गया। मतलब ए यूनियन बी को तुम कैसा लिख सकते हो? एन ए प्लस एन बी। हेलो, ये तभी जब सेट ए और सेट बी क्या हो? डिस ज्वाइंट सेट। हेलो, आर यू गेटिंग मी और नॉट? सर मैं गेटिंग नहीं, आई एम कैचिंग यू कंप्लीटली। क्या बात है, यू आर ब्लंडर यार बाबा। तो समझ में आ गया ना बच्चा कि अगर दो जनरल सेट की बात ये करे, दो सेट गिवन रहे, तो एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता है। लेकिन ये बात पक्की होनी चाहिए कि ये दोनों फाइनाइट सेट होनी चाहिए, यहां पर भी ये दोनों फाइनाइट सेट होने चाहिए, ठीक है? लेकिन इसी को मैं एक अलग अंदाज में लिख दिया हूं, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए माइनस बी प्लस एन बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है? ये दोनों फॉर्मूला भी याद रखिएगा। लेकिन एक शर्त है कि यदि यही दो सेट में से दोनों सेट अगर डिसजॉइंट सेट हो गया तो घटाने से कुछ ना मिले, तो समझा गया नहीं? घटाने से कुछ ना मिले, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एन ए यूनियन बी को डायरेक्ट हम लिख सकते हो एन ए प्लस एन बी। क्या कहते हो? मजा आ रहा है, समझ में आया? ये था दो सेट का यूनियन और इंटरसेक्शन। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अगर तीन सेट दे दे तो क्या हो सकता है? सच में जानना चाहते हो क्या? पक्का गारंटी नहीं मानेगा? अरे ठीक है ना यार, बता रहे क्यों बच्चे से करते हो, आ जाओ सुन लेते हैं, है ना? यहां पे हम लोग आए क्या रहते, मैं थोड़ी आया एकदम पूरा मक्खन की तरह करेंगे चैप्टर, मक्खना ठीक है, मक्खन की तरह। ये वाला बात तुम्हें समझ में आ गया होगा बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं, तीन सेट की बात करते हैं। तो बच्चे बात है, जिस तरह हमारा हेडिंग है उसके हिसाब से तो हम लोग काम कर लिए हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे दिमाग में तुम्हारे जहन में एक क्वेश्चन उठे और उसका जवाब ना मिले और तुम्हें मतलब समझ रहो मतलब परेशानी हो, दिल बेचैन हो जाए, दिल में खून दौड़ने लगे और आप बोलो सर क्यों अधूरा पढ़ाते हो, अगर पढ़ाना है तो पूरा पढ़ाओ, है ना? तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आ रहा है तीन सेट। आ जाओ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूं क्या? पहले फॉर्मूला कि मान लो कि तुम्हारे पास तीन सेट है बच्चों, ए बी एंड सी, ये तीन सेट है बच्चा। फिर से ये तीनों ही फाइनाइट सेट है। कैसा है ये? फाइनाइट सेट। तो इसमें एन ए यूनियन बी यूनियन अगर सी कर देगा तो मैं डायरेक्ट पहले फॉर्मूला लिखता हूं, बाकी उसके बाद तुम्हें बताता हूं कैसे आएगा, ठीक है? तो तुम लिख सकते हो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वाओ, व्हाट ए फॉर्मूला। हाँ, व्हाट ए फॉर्मूला, सही बात। और तुम्हें पता है कि मैं कुछ भी रटने देता नहीं हूं अपने स्टूडेंट को, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, याद हो जाएगा। कंसेप्ट पता करो कि कंसेप्ट इज एवरीथिंग, है ना? कंसेप्ट इज एवरीथिंग। तो फर्स्ट आई विल डेफिनेटली गोइंग टू पोस्ट मॉडर्न दिस कंसेप्ट कंप्लीटली डीपली सो दैट यू कुड हैव द एग्जैक्ट नॉलेज एंड यू कैन जस्ट बता सको, किसी को भी बता सको, ठीक है? आ जाओ। तो क्या मैं इसको प्रूफ कराऊं? आप बोलो सर करवाइए, इतना बड़ा कोड याद रखेगा तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का है, करवाता हूं मैं। लेकिन ये बात तुम हमेशा ध्यान रखना, क्या होता है दो सेट के लिए तुमको पता है ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी।
ये बात तुम्हें पता ही होना चाहिए बच्चों, तभी बनी ये वाला। ठीक है ठीक है, गाना सुने वैसा कुछ आज प्रूफ करता है रही है अपना अपने को इसको प्रूफ करने का। तो एलएचएस ले लिया हूं, तुम्हें पता है कि एलएचएस लेके आरएचएस लाया जा सकता है, आरएचएस को भी एलएचएस बना सकते हो, एलएचएस को भी आरएचएस बना सकते हो। मेरे को ये वाला करना आसान है, इधर वाला लाना थोड़ा सा टफ है, क्योंकि बड़ा छोटा चीज है, छोटा इतना बड़ा होगा क्या, ये सबके दिमाग में रखता है। तो बिल्कुल होगा, होगा तभी तो है ना। आज एलएचएस क्या है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी, बहुत बढ़िया। हाँ इसको मैं करने क्या वाला हूं, इसको गौर से सुनिएगा, ये जो दो सेट है ना यार, ये वाला ना इसको मैं एक मान रहा हूं, ठीक है, ये वाला पूरा एक सेट मान रहा हूं और इसको मैं एक सेट मान रहा हूं, तो दो सेट हो गया, एक ए और एक पूरा ए। तो दो का हम लोग पता है क्या लिखते हैं, दो को कैसे लिखते हैं, मतलब ऐसे मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि बी यूनियन सी को ना मैं मान लेता हूं डी हमारा, तो बी यूनियन सी की जगह पे अगर डी लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, एन ए यूनियन डी हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, फिर दो आ जाएगा, दो के बारे में हमें पता है। तो फिलहाल के लिए मैं यही करता हूं कि एन ए यूनियन डी लिखता हूं और यहां पे लिख देता हूं कि ले मान लिया बी यूनियन सी बराबर डी, बाद में इसके मान भी वापस बैठा देगा, ठीक है, पेंसिल लेने का नहीं, पेंसिल लेने का रेंट देने का, ठीक है, पेंसिल लेने का। अब बताओ तो दो सेट के लिए तुम्हें पता है ना कि कैसे लिखते हैं, एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां पे भी दो सेट लिखो, एन ए प्लस एन डी माइनस एन ए इंटरसेक्शन डी, वाह क्या बात, बहुत बढ़िया, इतना तुम अगर लिख दिया तो तुम समझ जाओ बन गया, क्या बन गया, विजेता बन गया, विजेता बन गया तुम। फिर मैं तुमसे डरेगा जी, मैथ तुमसे डरेगा, अब जहां जहां डी था ना डी वहां वहां बी यूनियन सी लिख दो, क्योंकि बी यूनियन सी को डी लिखे थे, क्यों लिखे थे, ताकि तुम्हें समझ में आए, नहीं तो मैं तो ऐसे लिख के चल सकता था, है ना। आज एन ए प्लस एन डी, एन ई जो डी है डी के जब क्या लिख सकते हो, बी यूनियन सी, मैं लिख रहा हूं एन बी यूनियन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन एंड ए इंटरसेक्शन डी के जगह क्या लिखेंगे, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बहुत बढ़िया। अब लोग क्या बात है सर, आपने तो गजब कर दिया, गजब, कितना हार्ड था, आपने तो ऐसे कर दिया, अरे हार्ड नहीं था घोचू, आसान ही था, ऐसा ही था, ठीक है, ऐसे ही था। अच्छा एन ए प्लस इसके लिए ना बी यूनियन सी, देखो फिर इस तरह नहीं है ना, ए यूनियन बी इसी तरह है ना, ए यूनियन बी की तरह है, तो मैं इसके लिए फॉर्मूला वापस यही लिखने वाला, एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। हेलो, क्या समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, आया कि नहीं आया, एकदम आया होगा, बहुत बढ़िया बात है। अगर तुम्हें आया, अगर तुम्हें आया तो और सुनो गौर से, ये जो लड़का जो लिखा हुआ है ना, ये जो बच्चों लिखा गया है, इस बच्चों को थोड़ा पोस्टमार्टम करो, माइनस एन तो है, मैं ये जो है ना इंटरसेक्शन, इसको मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को हिंदी में कहते हैं वितरण नियम, लगा सकता हूँ बिल्कुल, ये जो इंटरसेक्शन है ना यूनियन के ओवर क्या कर रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूट करा रहा हूं, तो डिस्ट्रीब्यूट करा और क्या होगा, जो होगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, वाओ क्या बात, एकदम सही है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन टू फाइव डिस्ट्रीब्यूट, इसको करा है फिर ए इंटरसेक्शन सी, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूट लॉ, लगा दिया, लगा दिया कि नहीं, एकदम लगा दिया। अब देखना गौर से देखना, गौर 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 से देखना, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, देखो 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 देखो, यहां तक हम पहुंच चुके हैं, अपने मंजिल की ओर जा रहे हैं, अग्रसर है, मंजिल मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेने का, मिल जाएगी, ठीक है, हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एन
बी इंटरसेक्शन सी, इसको लिख दिया मैं। अब ध्यान देने का बात है भैया तुमको, अब ध्यान क्या देने की बात है, अगर तुम देखो इसको तो ए इसको पूरा एक्स मान लो, इसको पूरा एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई मतलब ए यूनियन बी के फॉर्म में, फिर से इसको लिख देंगे क्या वाई एन ए इंटरसेक्शन बी, ये एक्स था तो एन एक्स होगा प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी, अगर ये एक्स होता ये वाई होता, एक्स यूनियन वाई को कैसे लिखते हैं एन एक्स प्लस एन वाई, तो ए इंटरसेक्शन बी था तो एक्स की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी, वाई की जगह पे ए इंटरसेक्शन सी। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, अरे आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के जगह पर अगर एक्स होता तो ये एक्स यूनियन इसको वाई मान लेते तो वाई होता, तो एक्स यूनियन वाई को कैसे लिखते हैं एनएक्स, तो एक्स की जगह पे ये वाला प्लस एन वाई, वाई की जगह पे ये वाला माइनस एन, माइनस एन क्या लिखता है एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स कौन है ए इंटरसेक्शन बी। हेलो 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 बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं है, एक बार फिर बोलता हूं तुम गौर से देखा, तुम्हारे लिए तो दिल कुर्बान है भाई, तेरे लिए कुछ भी कर देगा यार, 50 बार बोलना पड़ेगा एक ही बार को तो बोलेंगे, लेकिन तेरा खोपड़े में डाल के छोड़ेंगे ठीक है। ये वाला काम क्या, ये वाला ओहो ये वाला इसको मैं लिख रहा था, तो मैंने बोला था इसको ना कुछ समय के लिए एक्स मान, इसको ना कुछ समय के लिए वाई मान, तो एक्स यूनियन वाई, तो एक्स यूनियन भी एन के लगा लगा क्या लिखता एन एक्स, एन एक्स लिखता ना एक्स, एक्स ना लिखता एक्स के जगह पे ए इंटरसेक्शन बी था उसको लिखे, एन वाई लिखता अगर वाई था एन वाई लिखता ना, लेकिन वाई किसको मानते माने हम ए इंटरसेक्शन सी को, तो इंटरसेक्शन सी लिखते, फिर माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई लिखता ना उसके हिसाब से एक्स इंटरसेक्शन वाई, एक्स की जगह पे ए इंटरसेक्शन बी था लिख दिए, वाई की जगह पे ए इंटरसेक्शन सी था। अरे समझे, बिल्कुल समझे, अब इसको आगे देखते हैं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी, अभी माइनस को ना अंदर भेजने का ठीक है, माइनस को अंदर भेजोगे तो ये दोनों प्लस है माइनस हो जाएगा, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, अभी माइनस था बच्चों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी ठीक है, एकदम मक्खन है, समझ में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। अभी तुम्हें समय के सरिया के अच्छे से लिख रहा हूं, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी ठीक है, माइनस यहां पर क्या है माइनस ए इंटरसेक्शन बी है, तो क्या हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी माइनस में है, जी है, इसको मैं पहले लिख रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी माइनस, इसके बाद यहां पे क्या है रिजल्ट में बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी हमारे पास यहां पे है तो मैं उसको लिख रहा हूं, इसके बाद हमारे पास क्या है ए इंटरसेक्शन सी, तो ए इंटरसेक्शन सी यहां पे है फिर इसको लिख रहा हूं, उसके बाद क्या है, उसके बाद है एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब सर ये तो है ही नहीं आपके पास, अरे बच्चा है ए में भी इंटरसेक्शन है बी के साथ और फिर से ए के साथ भी इंटरसेक्शन है सी के साथ, मतलब यहां 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 सब जगह इंटरसेक्शन है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इस आइटम को तुम लिख सकते हो, और इस तरह तुम्हारा आ गया बच्चों क्या आ गया तेरा आ गया फॉर्मूला, इस प्रकार तेरा फॉर्मूला हो गया सत्यानाश प्रूफ, समझ गया, एक बार गौर से देखने का ठीक है, गौर से देखेगा ना तेरे को मक्खन लगेगा, रे मक्खन लगेगा सेट थ्योरी, और सेट थ्योरी बहुत अच्छे से करना ही है, क्यों जानते हो, क्योंकि 12 में जो रिलेशन फंक्शन चैप्टर शुरू होगी ना उसमें हर 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 कदम पे तुम्हें ये सारा कुछ मिलेगा, याद रखना।
कंसेप्ट मिलेगा रिलेशन फंक्शन का भी, सेट का भी, ठीक है। तो ये था बच्चों पोस्टमार्टम, इसको कहते हैं मैथमेटिकल प्रूफ। ये जो किया ना मैथमेटिकली प्रूफ किया, ठीक है। ये हमारा जो प्रूफ था बच्चों मैथमेटिकली प्रूफ था। तो आप बोलोगे सर क्या और भी कुछ हो सकता है क्या ब्रो? अरे क्या बात करते हो, मैथ है बच्चों, मैथ में कुछ भी हो सकता है। यही से सेम चीज को अपन कर सकते हैं वेन डायग्राम से। कर दो क्या? हाँ, क्या बात है, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तुम करके देखना, ठीक है। मैं थोड़ा हैंड कर दो, कैसे करोगे? आज हैंड करते हैं, बच्चे वाले सेम क्वेश्चन को तुम मैथमेटिकली भी, मतलब मैथमेटिकली तुम्हें कर दिया, वेन डायग्राम की मदद से भी प्रूफ कर सकते हो, देख लो कैसे। सबसे पहले मैं बहुत अच्छा वाला सुंदर वाला वेन डायग्राम बना लिया हूं। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, रेक्टेंगल के रूप में होता है। हमारे पास तीन सेट है, सेट ए है, सेट बी है और ये सेट सी है। इसके अंदर का एलिमेंट लेते हैं ए बी सी डी ई एफ और जी, ठीक है बच्चों, देख लो वहीं से। तो अगर मैं बात करूं सेट ए के अंदर कितना एलिमेंट होगा, तो ए बी सी डी होगा, ठीक है। इसीलिए सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना होगा बच्चा? चार होगा, ठीक है। इसी तरह सेट बी के अंदर कितना एलिमेंट होगा, तो देख लो आप बी सी ई जी, इसका मतलब सेट बी का कार्डिनल नंबर कितना होगा बच्चों? चार होगा, दिख रहा है ना तुम्हें। वैसे मैं अगर बात करूं सेट सी के अंदर कितना एलिमेंट होगा, सी डी ई एफ, सी डी Yeah. इसका मतलब समझ में आया आपको, सेट सी का कार्डिनल नंबर कितना होगा, इसके विचार होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन बी का, तो इसमें देख लो कितना एलिमेंट है। ए और बी में कॉमन क्या है? ए और बी में कॉमन ये वाला पार्ट दोनों में, तो बी सी होगा, बी सी दो एलिमेंट है, ठीक है। दो एलिमेंट है तो कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी का क्या होगा बच्चों? दो है, तो फटाफट निकालेगा। इसी तरह मैं बी इंटरसेक्शन में निकालना चाह रहा हूं कि ये हमारे सेट में कितना एलिमेंट होगा, तो बी और सी में कौन देखो, बी और सी में, बी और सी में अगर देखोगे तो ये वाला पोर्शन है जो कि सी और ई मिलेगा, सी और ई मिलेगा। इस प्रकार कार्डिनल नंबर ऑफ बी इंटरसेक्शन सी निकालोगे तो दो ही आएगा, ठीक है। इसी तरह अगर मैं बात करूं ए इंटरसेक्शन सी में कितना एलिमेंट है, तो आ जाओ ए और सी में कॉमन देखो, ए और सी में कॉमन होगा ए वाला है, सी और डी है ना, सी और डी, मतलब ए और सी का इंटरसेक्शन अगर आप निकाल लोगे, कार्डिनल नंबर निकालोगे कितना आएगा? दो है, ठीक है। इसी तरह मैं निकालना चाह रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कितना एलिमेंट है, तो देखो तीनों के अंदर कौन कॉमन है बताओ? ये वाला एक छोटकू सा जो भाग है ना, ये तीनों का है, ये छोटकू भाग इसका भी है, छोटा वाला भाग इसका भी है, ये छोटा वाला भाग क्या है इसका भी है, मतलब सिर्फ एक एलिमेंट है सी जो तीनों में है। अगर मैं इसका कार्डिनल नंबर निकालूं ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का, तो क्या होगा बच्चा? एक होगा कि नहीं होगा? एक हो, बहुत अच्छे बात। अब मैं इसको जोड़ना चाहता हूं, आ जाओ देखो, एन ए यूनियन बी यूनियन सी निकालूंगा, तो आप बताओ एन ए यूनियन बी यूनियन सी में कितना एलिमेंट होगा? देखो चार प्लस चार प्लस चार, तो हो गया टोटल कितना? टोटल हो गया बारह, हो गया ना, अच्छी बात है। अब इसको मैं दो जोड़ रहा हूं, अलग अलग जोड़ रहा हूं, ठीक है। सॉरी क्या बोल दिया तुमने? अच्छा ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला या नहीं करना, तो पहले निकाल देता हूं, ए यूनियन बी यूनियन सी में निकालता हूं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी में क्या आएगा? ए बी सी डी ई एफ जी, मतलब तीनों सेट में जो भी एलिमेंट है सबको रख दिया ना, ए बी सी डी ई एफ जी, टोटल कितना एलिमेंट आया बच्चा इसके अंदर? इसका कार्डिनल नंबर देख लो कितना है, एक दो तीन चार पांच छह सात, टोटल सात, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ए यूनियन बी यूनियन सी में कार्डिनल नंबर जो हमारा है सात, मतलब सात एलिमेंट है, ठीक है। अरे समझ रहे हो, सात एलिमेंट। अब इसको मैं इस तरह एडजस्ट करूंगा कि हमारा काम बन जाएगा, एक काम करते हैं इसको मिटा कर लेते हैं फिर से। मैं यहां पर लिख रहा हूं, ठीक है,
एंड ए यूनियन बी यूनियन सी में कितना एलिमेंट आया बच्चों? सेवन आया, दिख रहा है सेवन एलिमेंट। अब इसको मैं सेटिंग करने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं पहले एन ए को जोड़ रहा हूं, फिर एन बी को जोड़ रहा हूं, फिर एन सी को जोड़ रहा हूं। तो आपने बोला सर ये तो इसमें चार एलिमेंट है, इसमें भी चार है, इसमें भी चार, तो चार 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 प्लस चार प्लस चार बारह हो गए, इधर तो सात ही है, टेंशन ना लो अभी सेट कर रहे हैं इसको, ठीक है। टोटल बारह हो गया, बारह में हम क्या कह रहे हैं कि जो तुम्हारा कहां गया ये रहा, ए यूनियन बी को घटाना चाह रहे हैं, माइनस करना चाह रहे हैं एन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी ने ए इंटरसेक्शन दिया, ए इंटरसेक्शन बी घटाया, तो बारह में ए इंटरसेक्शन बी में कितना एलिमेंट है बच्चा? दो है, तो बारह में दो गया बच्चा, कितना आठ, सॉरी दस, इधर सात है, अभी दस ही बचा, ठीक है, मतलब दस ही हुआ बराबर अभी भी नहीं है। अब मैं क्या चाह रहा हूं कि बी इंटरसेक्शन सी को भी घटा, वाजा करा देता बी इंटरसेक्शन सी को भी घटा, तो इधर टोटल कितना था? बारह, बारह में दो गया बच्चा, कितना? दस, फिर दो घटा दो, क्योंकि देखो बी इंटरसेक्शन सी में भी दो ही एलिमेंट है, ठीक है, तो कितना बचेगा? आठ बचेगा। अब बोलो सर आठ बचे, बहुत बढ़िया, अभी भी दोनों तरफ क्या हुआ है, जैसे सेवन इधर एट, अभी भी एक बढ़िया नहीं हुआ है, तो आप मैं कहता हूं क्या टेंशन ना लो, एक बार इसको भी करो एंड ए इंटरसेक्शन सी भी करो, अब बोलो बहुत बढ़िया घटा दिया सर, तो ये टोटल बारह था, बारह में दो गया आठ, दस बचा, फिर दो गया आठ बचा, फिर दो गया छह बचा, अब बोलो सर गजब ही कर दी, इधर सात इधर छह, हम लिखा है लो टेंशन लेते हुए है ना, टेंशन नहीं लेगा, इसमें एक एलिमेंट है ना, इसको वापस जोड़ो, प्लस हो गया एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन, तो इसमें एक एलिमेंट हो गया, इसमें दो था, इसमें भी दो था, इसमें भी दो था, और इसमें हमारे कितना था? एक, तो इधर सात है, इधर चार प्लस चार प्लस चार आठ, प्लस चार बारह, बारह में दो गया दस, दो आठ, दो छह, प्लस एक सात, तो सात और सात बराबर हो गया। इस तरह हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं बच्चों क्या प्रूफ कर सकते हैं, ये था वेन डायग्राम प्रूफ, समझ गया यार, ये भी एक नया अप्रोच है जिसके मदद से तुम चाहो तो प्रूफ कर सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चा, खाली समझना है और फील करना, मैथ इज ऑल अबाउट फीलिंग, ठीक है, जितना ज्यादा फील करोगे उतना ही मजा तुम्हें आएगा, ये हमारा मेथड नंबर टू था, दूसरे तरीके से मैंने क्या किया एग्जांपल के थ्रू आपको प्रूफ करके दिखा दिया, और पहला जो था वो एक मैथमेटिकल फॉर्म था, उसमें सिर्फ मैथ ही हम लोग यूज किए है ना, प्लस माइनस वगैरह, इस तरह मैंने उसको करके दिखाया, मुझे लग रहा है कि दोनों ही तुमको अच्छे से समझ में आ गया, क्या कहते हो आया कि नहीं आया? अरे मेरे साथ रह के भी तुम्हें अगर नहीं आया तो मुझे लगता नहीं कि दुनिया में नहीं आया कभी आएगा, आ तो गया मजाक कर दो है ना, आ तो गया। अब आप प्रोफेसर खाली आप थ्योरी पढ़ाते हो यार, कभी कभी काम के क्वेश्चन भी तो डालो, तो आ जाओ लिख रहे क्वेश्चन तुम्हारे बीच, सुंदर सा प्यारा सा नन्हा सा एक नंबर स्मार्ट क्वेश्चन, मैं बस आपको एक देखो मेरा मानना है कि क्वेश्चन अगर आपको थ्योरी समझ में आ गया तो क्वेश्चन बढ़ जाएगा, ठीक है, समझ रहा हूँ ना, मेरे पास चूंकि डिजिटल बोर्ड है नहीं तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन बताने में, लेकिन मैं कोशिश ये रहता है कि मैं थ्योरी तुमको इतना अच्छा से समझा दूं ताकि आप क्वेश्चन खुद ही बना दो, और मुझे लगता है कि अगर तुम थ्योरी मेरा वाला बताया हुआ थ्योरी अगर तुम समझ गया ना अच्छे से बच्चों, तुम्हें एक क्वेश्चन भी तुम्हें नहीं सताएगा, हाँ थोड़ा परेशान जरूर कर सकता है, सताएगा तो बिल्कुल, तो आ जाओ ट्रेवल दिखा देता है, वो कह रहा इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट, ये दो एक्स वाई है दो सेट, ठीक है, इसलिए कैपिटल में लिखा गया, पता है आपको कैपिटल में हमेशा सेट को लिखते हैं, सच दैट इस प्रकार है दो सेट कि एक्स यूनियन वाई, मतलब एक्स यूनियन वाई लिखा हुआ है ना, हैज 18 एलिमेंट्स, मतलब एक्स यूनियन वाई के पास कितना एलिमेंट है? 18 एलिमेंट, मतलब एक्स यूनियन वाई जो सेट है इसमें 18 एलिमेंट है, ठीक है, बहुत बड़ा, एक्स हैज 8 एलिमेंट्स, जो एक्स जो सेट था बच्चों उसमें 18 एलिमेंट था, वाई के पास कितना एलिमेंट था? 15 एलिमेंट था, तो ये सब इंपॉर्टेंट जानकारी है, सेट वाई के पास कितना था, सेट एक्स के पास 8 एलिमेंट था, x यूनियन y के पास कितना एलिमेंट था? 18 एलिमेंट था, तो कह रहा है कि आप x इंटरसेक्शन y के पास बताओ कि कितना एलिमेंट होगा, ठीक है, तो फटाफट हम लोग लिख लेते हैं, हम लोग आपको पता है कि हम लोग का स्टाइल क्या होता है लिखने का, पहले हम लोग हमेशा गिवन लिखते हैं, तो गिवन क्या दिया है? एंड x दिया है, x में कितना एलिमेंट है देख लो 8 एलिमेंट, ठीक है, एंड y दिया है, y में कितना एलिमेंट है बच्चे देखो 15 एलिमेंट, एंड x यूनियन y दिया है, देख लो x यूनियन y हैज 18 एलिमेंट्स, मतलब इसमें कितना एलिमेंट है? 18 एलिमेंट, ठीक है,
आपको कह रहा है क्या, टू फाइंड, हम लोग लिखते हैं टू फाइंड, स्टैंडर्ड तरीका, समझ लो ना, स्टैंडर्ड से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बच्चों, ठीक है। क्या कह रहा है कि आप बता दो कि एन एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितना एलिमेंट होगा, ठीक है। अरे तुरंत बना लेते हैं, कौन बड़ा बात पूछ लिया है। तो देखो अब लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन को हल कहते हैं ना, देखो क्या होता है, चूंकि हम जानते हैं कि एन एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब प्रोफेसर मैं तो ए यूनियन बी का जानता था, अरे बच्चों ए यूनियन बी में एक जगह पर एक्स आ जाए, बी की जगह पर वाई आ जाए, तो ए वाला फॉर्मूला लगाएगा ना यार, सिंपल है। इस तरह का क्वेश्चन फालतू वाली पूछना लगे। तो एन एक्स यूनियन वाई कितना दिया, देख लो यहां पे 18 दिया, लिख लो 18। एन एक्स, एन एक्स कितना दिया है 8, सबका मान बिठा दो 8। एन वाई कितना दिया, देख लो 15। हमसे पूछा गया एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, एकदम चिल है ये 18, ठीक है। इसको इधर बुला, 18 प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, क्योंकि माइनस है ये, इधर अगर प्लस हो जाएगा 15 प्लस 8 करो कितना आएगा 23 आएगा, कितना है बच्चों 23 आएगा, 8 5 हां ठीक है। अब एक काम करो, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई बराबर 23, ये देखो 18 प्लस है इधर, उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, तो इस तरह 23 में 18 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा। तुम्हारा एक्स इंटरसेक्शन वाई में कितना एलिमेंट आया बच्चा, 5 एलिमेंट आया। क्वेश्चन क्या था, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई है, तो एक्स इंटरसेक्शन वाई के पास कितना एलिमेंट होगा, तो बोल देते हैं, हैंस एक्स इंटरसेक्शन वाई हैज 5 एलिमेंट। मैं चोर समझ गया, तो ऐसा ही छोटा छोटा प्यारा सा सवाल तुम्हें देगा और तुमसे बोलेगा कि बता दो उसका सॉल्यूशन कैसा, क्या कहते हो तुम बना पाओगे कि नहीं बच्चा। इस तरह का छोटा छोटा सवाल आएगा बच्चा, ढेर सारा क्वेश्चन है, तुम एनसीईआरटी बुक उठाना या कोई भी दुनिया का कोई भी बुक उठाना, थ्योरी यही होता है, ठीक है। क्वेश्चन ज्यादा होता है तो आप कोई भी बुक उठाइएगा और आप देखिएगा तो बड़ा आसान लगेगा आपको सवाल बनाना, ठीक है बच्चा। ये चैप्टर यहीं से यहीं पे खत्म हो गया, मैं नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करूंगा रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही ताबड़तोड़ चैप्टर है, बहुत ही मजा आएगा बच्चा आपको। तब तक अब जहां भी हो अच्छे से रहो, 8 घंटे कम से कम मेहनत करो, माँ बाप का सेवा करो, बच्चों से प्यार करो, और क्या ही है, पढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।